तो चलते हैं बच्चों, अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं। ये देख सकते हैं, अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं। ये हम बॉक्स को साइड पे रख देते हैं और इसको ऊपर से कवर को हटा देते हैं। ये इसकी पैकिंग ही है। अभी हम सबसे पहले अभी हम ये सिलाई मशीन रखते हैं बाहर। ये तो सारी चीजें हम बाहर रख लेते हैं। ये दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया है, वॉशिंग मशीन है। ये सिलाई मशीन आ गई, ये वॉशिंग मशीन आ गई है, और ये आयरन आ गई है, और ये हमारे पास फ्लोर क्लीनर मशीन आ गई है। अच्छा, अभी हम आपको दिखाते हैं ये सिलाई मशीन सबसे पहले। अभी ये बाकी चीजें हम साइड पे रख देते हैं, ठीक है। बारी बारी हम इनको करेंगे। ये सिलाई मशीन है। ये सिलाई मशीन के अंदर ये देख सकते हैं, जैसे नॉर्मल होते हैं सिलाई मशीन वैसे ये कुछ बटन दिया हुआ है। इसमें बटन का क्या इस्तेमाल है वो भी देखते हैं। और ये सिलाई मशीन है, यहाँ से हम इसको घुमाते हैं, इसका व्हील है, और ये सिलाई करती है यहाँ से, ठीक है। कपड़ा इसके अंदर डालेंगे तो सिलाई करेगी। और इसी तरह से ये इसका बैटरी का स्पेस दी हुई है, यहाँ पे हम बैटरी डालेंगे। हमारे पास है, ये हो गया। अभी हम इसको बैटरीज इंस्टॉल कर लिए हैं, इसके बाद हम इसको चलाएंगे, चेक करते हैं। ये हम सिलाई कर रहे हैं, ये चेक कर सकते हैं, ये सिलाई हो रही है। कपड़े इसके अंदर से गुजरेंगे और ये सिलाई हो जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मैं इसको बंद भी कर लूँगा। ये इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन है, ठीक है, सिविंग मशीन इसको हम बोलते हैं। अच्छे मटेरियल में बनी हुई है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, वॉशिंग मशीन आ जाती है। तो वॉशिंग मशीन देखेंगे, कवर लगा हुआ है, कवर को मैंने हटाया है। अंदर देखें, ये इसके अंदर वैसे ही एक्सल लगा हुआ है जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर लगा होता है घूमने के लिए, ठीक है। और इसके साथ ये एक ड्रेन पाइप है, ये आपको पता है ड्रेन पाइप इसका होता है। जब हमने कपड़े धो लेते हैं ऐसे पानी छोड़ते हैं तो वो गंदा पानी बाहर निकल जाता है। और इसी तरह से ये कुछ चीज़ें हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये नीचे इसमें भी बैटरी इंस्टॉल होती है, इसको भी हम बैटरी इसको लगाएंगे। चलें, ये हमने कर ली है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको जो है ना बैटरी हमने इंस्टॉल कर ली। तो अभी हम इसको चलाते हैं, बैटरी इंस्टॉल हो गई है। और ढक्कन इसका कवर भी हटाते हैं, इसके बाद हम ये बटन एक लगा हुआ है चलाते हैं। ये देखें अंदर जो इसका एक्सल वो घूम रहा है। ये बटन मैंने प्रेस किया और ये चल पड़ा इसके अंदर से एक्सल। अभी मैं पानी अगर डालता हूँ तो ये भी इसमें घूमेगा, लेकिन अभी हमें इसमें पानी का एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, लेकिन वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बटन दबाएंगे तो हम इसको, ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन है, ठीक है। और यहाँ पे हम सारा काम कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, अभी मैंने आपको बोला था कि इसमें पानी का एक्सपीरियंस नहीं लगा, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें एक दफ़ा चीज़ चेक करके देखते हैं, ये पानी इसमें डालें तो फिर कैसे ये होगा। अभी इसमें मैं पानी डालता हूँ, ये पानी मैंने मंगवा लिया, तो ये थोड़ा ही डालेंगे इसमें। अभी चेक करते हैं, ये घूमना शुरू हो गया, ये देख सकते हैं ये पानी इसमें घूम रहा है। ये पानी ज़्यादा हो गया, हम थोड़ा सा इसको इधर से ड्रेन करते हैं, ये भी देखते हैं कि पानी निकलता है या नहीं। ये देख सकते हैं दोस्तों, पानी भी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, ड्रेन हो रहा है इसका। हम कपड़े धो लिए, उसके बाद हम पानी ड्रेन करते हैं। अभी हम थोड़ा कम कर लिया, अभी इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये चेक करें, प्रेस करते हैं, अब चेक करते हैं, देखते हैं, देख सकते हैं पानी इसमें कैसे इसमें चल रहा है, घूम रहा है जैसे कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में, वैसे ये पानी इस वक्त घूम रहा है, टोर्नेडो टाइप बना हुआ अंदर, ठीक है। अभी हम पानी इसका निकाल देते हैं और ये बंद करते हैं, हम ड्रेन कर देते हैं इसका सारा पानी। तो अभी हम ड्रेन इधर सेट कर देते हैं पाइप इसका,
अब इसको देखते हैं तो चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए अब हम इसका ये कर देते हैं बंद। इसका ये बटन है, ये ड्रेन लगा हुआ है, यहाँ से निकल रहा है। और बाकी ये सारा आपके सामने बड़ा ज़बरदस्त प्यारा सा बना हुआ है, बहुत अच्छी शेप में बनाई है ये वॉशिंग मशीन। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉय की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास आई है आयरन। आयरन भी देख सकते हैं, आयरन में ये आप चेक करें आयरन कैसी बनी हुई है। नीचे इसके जो है ना ऐसे प्लेन बना हुआ, जैसे जो आयरन होती है इस्त्री, जिसको बोलते हैं हम इस्त्री भी बोलते हैं और आयरन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और आयरन के ऊपर ये हैंडल भी लगा है, हैंडल यहाँ से पकड़ के हम इसको प्रेस करते हैं ऐसे। इसके अंदर कुछ स्प्रिंकलर डले हुए हैं, ठीक है, समुद्री जहाज से बॉल से बने होते हैं, स्प्रिंकलर बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम अभी चेक करते हैं, इसमें भी एक पॉइंट बना हुआ है बैटरीज के लिए इंस्टॉल। इसका देखते हैं क्या कमाल है, इसको भी देख लेते हैं। तो हो गया बंद। अच्छा, अभी हम इसको ऐसे हमने प्रेस करनी है, ये मैं बटन को दबाऊंगा, ये देखते हैं, देख सकते हैं ये बड़ा ज़बरदस्त लाइट भी इसमें चल पड़ी है। ये आयरन में भी लाइट चलती है और इसमें भी लाइट है, ये बड़ा प्यारा सा। और देख सकते हैं ये अंदर स्प्रिंकलर और हवा के साथ काफ़ी तेज इसमें ना उड़ रहे हैं और लाइट भी इसमें चल रही है। लाइट तो नॉर्मली आयरन में भी चलती है, हर आयरन में लाइट एक लगी होती है। तो उसके बाद इंडिकेशन के लिए जब ज़्यादा हीट उसके हो जाती है, जब ज़्यादा गर्म हो जाती है आयरन, तो वो बंद हो जाती है लाइट। इसी तरह से इसके अंदर भी कुछ काम किया हुआ बच्चों के लिए, ठीक है बच्चों। ये आपने देखा ये आयरन बनी है, इसको मैंने चला के दिखाया। अभी चलते हैं हम अपने अगले टॉय की तरफ। ये हमारे पास आ जाता है फ्लोर क्लीनर मशीन आ जाती है हमारे पास। ये देख सकते हैं हैंड पंप है इसको बोलते हैं, और ये साथ पाइप लगा हुआ है, और वैक्यूम मशीन भी बोलते हैं इसके, ठीक है। इसके ये साथ व्हील लगे हैं जिसको हम साथ लेके ऐसे घुमाएंगे, घुमाते जाएंगे और चलते जाएंगे। और ये मुझे जो नज़र आ रहे हैं इसके अंदर भी स्प्रिंकलर बॉल्स हैं, ये देख सकते हैं। और इसको ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। और इसी तरह से ये मुझे नज़र आ रहा है ये बटन है, बर इसका काम देखते हैं। ये भी है इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसको भी चेक कर लेते हैं क्या है। तो ये इसके व्हील के ऊपर डिज़ाइन बड़े अच्छे से ज़बरदस्त बने हुए हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। अभी आपका व्यू ज़रा क्लियर करके मैं दिखा रहा हूँ, अगर नज़र आ रहा होगा आपको सारा। ये इसका पाइप है, ये इसका हैंड पंप है, ठीक है, और ये सारा मशीन आ गई इसकी। पर इसमें अभी हम चलते हैं बैटरी इंस्टॉल करते हैं। बच्चों देख सकते हो आप लोग, ये देखें, ये मैंने अब इसके अंदर बैटरी इंस्टॉल कर ली है। अभी मैंने ये इसको पकड़ लिया है, ये हैंड पंप जो है, अभी ये मैं इसको बटन को प्रेस करता हूँ,